हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डीएसआर फॉर यू में। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है, एमपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के और 9वीं 11वीं 12वीं सभी क्लासों की त्रैमासिक परीक्षाएं प्रारंभ हो गई हैं। इस वीडियो में मैं आपके लिए कक्षा 10वीं के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर लेके आया हूँ। पूरा ए टू जेड इसमें आपको बता दिया हूँ। ये मेरे पास एक गाइड है, अगर आपके पास ये गाइड है तो आप उस गाइड में आप निशान लगा सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप इस गाइड में मैं आंसर सेट आपको पूरे इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। देखो बच्चे, ब्लूप्रिंट तो मैंने आपको बता दिया था कि क्या क्या आपको पढ़ना है। पूरा जितना मैंने आपको ब्लूप्रिंट बताया था कि इतना आपको तैयार करना है त्रैमासिक परीक्षा में, केवल और केवल उतना ही आपको पढ़ना है, और उसी के हिसाब से पूरा इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तरों का वीडियो आया हुआ है। ये पूरा ब्लूप्रिंट आपके सामने निकल गया, आपने देख लिए। चलिए शुरू करते हैं देरी न करते हुए। और हाँ, आपको बता दूं कि फालतू के फर्जी यूट्यूब चैनलों से बचें जो कि आपको झूठे पेपर दिलासा दे रहे हैं। बच्चों, किसी के पास कोई पेपर नहीं है, और अगर कोई पेपर वायरल करेगा तो उसे वैसे भी सजा दे दी जाएगी। इसलिए बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तैयारी करें और अपने पेपर के लिए आप प्रिपेयर हो जाइए। चलिए शुरू करते हैं हमारा अपना वीडियो। तो देखें बच्चों, सबसे पहले ये देखें आप, सबसे पहला है पाठ जो आएगा, पहला आपका पाठ है जो सूरदास वाला, उससे लिया जाएगा, प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे। तो जैसे इसमें आप देख सकते हैं, ये ऊधो तुम हो अति बड़ी भागी। आपको एक बात बता दूं बच्चों, कि जो हर टॉपिक होता है, चाहे वो गद्यांश का हो चाहे पद्यांश का हो, उसमें पहला वाला को जरूर तैयार कर लिया कीजिए। ऊधो तुम हो अति बड़ी भागी वाला, ये वाला आप तैयार कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है कुछ और की, तो यहाँ पे आपको देखें, ये आपको बता दिया मैंने कि एक पहला वाला आप देख लीजिएगा। देखिए इसमें बहुत सारे हैं, कहाँ से कैसा कौन सा पूछ लिया जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। ये वाला आप तैयार कर सकते हैं, हमारे हरिहारल की लकड़ी वाला, इसको भी आप देख सकते हैं। बात आती है इस टॉपिक से प्रश्नोत्तरों की बच्चों। देखिए मैं थोड़ा वीडियो में ज़्यादा एडिटिंग नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास टाइम कम है और आपको भी मुझे बताना है। ये प्रश्न तैयार कर लीजिएगा, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में कौन सा व्यंग निहित है। फिर उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किससे की गई है, किससे की गई थी बच्चों, कमल के पत्तों से तुलना की गई है। फिर उसके बाद जल में पड़ी तेल की बूंद से की गई है, और इस प्रकार से आपको पूरा ये लिख देना है। ये देखिए दोनों प्रश्न हैं, दोनों प्रश्नों को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ये प्रश्न आ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे ये वाला प्रश्न है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म कैसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बच्चों, कि वो प्रजा को कभी भी ना सताए और उसकी भलाई में लगा रहे, ठीक है, और प्रजा को जो अन्याय होता है उससे भी छुटकारा दिलाए। फिर ये वाला प्रश्न, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा ना रहने की बात कही जा रही है, ये वाला प्रश्न तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा बच्चों ये प्रश्न भी आ सकता है कि गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए, इसको भी देख लीजिएगा। इन्हें बहुत सारे प्रकार से उलाहने दिए रहे, उलाहने मतलब एक प्रकार से इनडायरेक्टली गाली दी थी, गुस्सा किया था कि आप उद्धव कैसे हो जो कृष्ण के साथ रहकर भी आपका भाग्य नहीं जागा, ये हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, देख सकते हैं, ये सूर सागर के रचनाकार कौन है, तो सूर सागर मतलब कि सूरदास हैं अपने। फिर गोपियों को ज्ञान व योग की बातें कैसी लगती, कैसी लगती हैं बच्चों, कड़वी ककड़ी के जैसे लगती हैं। यहाँ पे फिर कुछ और भी हैं, यहाँ पे देखिए, ये गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना किससे की, तो किससे की थी बच्चों, हारेल की लकड़ी से की थी। मर्यादा न लही से कवि माध्यम से किस मर्यादा की बात की गई है, तो ये कही है बच्चों प्रेम संबंध की। फिर ये जो खालिस्तान है को भी आप देख सकते हैं, ये पूरे लिखे हुए हैं, सूरदास के गुरु कौन थे, तो सूरदास जी के गुरु थे बच्चों वल्लभाचार्य, इसको तैयार कर लीजिएगा। फिर तीसरा वाला, सूर की भक्ति कैसी थी, तो सूरदास जी रहे वो भगवान को अपना क्या मानते थे, सखा मानते थे, फ्रेंड मानते थे, ठीक है, तो साख्य भाव की रही। फिर इसके बाद गोपियां उद्धव को कैसा मानती हैं, तो अभी बताया मैंने, कैसा मानती हैं बच्चों, बड़भागी मानती हैं, ये आप तैयार कर लीजिएगा, ये हो गया आपका। इसके अलावा ये जो हैं आपके सूरदास किस काल के कवि हैं, तो ये भक्ति काल के है ना, और भक्ति काल की कौन सी शाखा है बच्चों, कृष्ण भक्ति शाखा के। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म कैसा होना चाहिए, प्रजा के हित करने वाला। फिर गोपियों ने भ्रमर के बहाने किस पर व्यंग, मतलब भौंरा, भ्रमर मतलब होता भौंरा, तो इसके बहाने इन्होंने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े, ठीक है। अब बारी आई अध्याय अपने अगले पाठ की, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, इसमें ये पहला वाला तैयार कर लीजिएगा। देखिए इसमें मैं ज्यादा आपको रिस्क नहीं लेने दूंगा, प्रश्न उत्तर पे हम सीधे फोकस करते हैं। ये वाला प्रश्न है जो, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर कौन कौन से तर्क दिए, ठीक है ना। परशुराम जी आए, उन्होंने कहा कि आपने मेरा धनुष तोड़ दिया, तो इस पर लक्ष्मण जी बोले कि अरे हमने तो ऐसे कितने धनुष तोड़े, ये बचपन में हमने बहुत सारे धनुष तोड़े, आपने कभी उन पर क्रोध नहीं किया, ऐसा इस धनुष में क्या है जो आप चिल्लाने लगे। फिर उन्होंने क्या कहा था कि हमारी नजर में तो सारे धनुष एक समान होते हैं, फिर इस धनुष को टूटने पर इतना हल्ला क्यों मचा रहे हैं। और तीसरी बात उन्होंने कही कि अरे इस पुराने धनुष को तोड़ने से हमें क्या मिलना था जो आप इतना गुस्सा हो रहे हैं। तो इस
प्रकार से। और चौथा पॉइंट एक सबसे खतरनाक बात कह दी थी उन्होंने, उन्होंने कहा था कि ये इतना कमजोर धनुष था कि हाथ लगाते ही टूट गया, इसमें उनकी कोई गलती नहीं भगवान राम की, इस प्रकार से उन्होंने ये तर्क दिए थे। फिर लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या विशेषताएं बताई, तो बच्चों ये तैयार कर लीजिएगा, वीर योद्धा कैसे होते, धैर्यवान होते हैं, फिर क्या होते हैं, क्षोभ रहित होते हैं, फिर किसी को अपशब्द नहीं कहते हैं, फिर युद्ध के मैदान में वीरतापूर्ण कार्य करते हैं, और शत्रु के सामने वो अपनी बड़ाई नहीं बताते, डींग नहीं हाँका करते, वो सीधे युद्ध में लड़ते हैं और पूरा उसके बाद युद्ध को जीतते हैं। इस तरीके से ये दो प्रश्न तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पे बच्चों ये वाला प्रश्न, अवधी भाषा आज किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है, तो ये उत्तर प्रदेश के बहुत सारे एरिया हैं, इनको आप देख ले, लिख लीजिएगा। फिर अगला है यहाँ पे तुलसीदास की रचना, तुलसीदास की रचना कौन सी थी बच्चों, विनय पत्रिका तुलसीदास जी की रचना। फिर रामचरित मानस की भाषा कैसी है बच्चों, तो ये अवधी भाषा है। फिर राम लक्ष्मण के गुरु का क्या नाम था, तो ये थे विश्वामित्र जी। इस तरीके से यहाँ पे आप खालिस्तान देख लीजिए, ये पूरे खालिस्तान है। छुआ तो टूट रघुपति ही ना दोसु, ये किसके लिए कहा गया, किसके लिए बोला था, ये किसने कहा था, लक्ष्मण जी ने कहा था, किससे बोला था, परशुराम जी से। फिर राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किससे लिया गया है, तो ये बालकांड से लिया गया है। ये हो गया, इसके बाद हम बात करेंगे हमारे और भी, तो यहाँ पे उतना कोई खास नहीं है। बात आती है अगले पार्ट की, जो कि है आत्मकथ्य। ये वाला पहला वाला पद्यांश कर लीजिएगा आपका गद्यांश, और ये इसके जो है आपका पूरा आंसर है। इसके बाद यहाँ प्रश्न उत्तर ये वाला देख लीजिएगा, कवि जयशंकर प्रसाद अपनी आत्मकथा से लिखने से क्यों बचना चाहते। देखिए उत्तर पूरा है, स्क्रीनशॉट ले लें, इसको तैयार कर लीजिएगा। फिर ये वाला प्रश्न है, स्मृति को पाथेय बनाने से कवि जयशंकर प्रसाद का क्या आशय है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। अपने यहाँ पे अभी ये ऑब्जेक्टिव आए, कवि अपनी आत्मकथा बता रहा है, किसको बता, कैसी बता रहा है बेटा, कि ये भोली थी मेरी आत्मकथा। फिर छायावाद के प्रतिनिधि कवि कौन है, तो छायावाद के प्रमुख कवि हैं बच्चों जयशंकर प्रसाद, याद रखिएगा ठीक। इसके अलावा यहाँ पे ये खालिस्तान में ये वाला पहला वाला, कवि जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि हैं, तो ये छायावाद के हैं, बार बार ये आ रहा है, आप इसको देख लीजिएगा। ये पांचवा है, आलिंगन में आते आते मुस्किया करके जो भाग गया, मुस्किया करके है ना, हंस करके भाग गया, ये तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद बारी आती है अगला पाठ की हमारा, जो है उत्साह अट नहीं रही, इसमें भी ये पहला वाला बादल गरजो वाला, इसको तैयार कर लीजिएगा। ये है पूरा इसका सॉल्यूशन यहाँ पे पूरा, इसको देख लीजिएगा। फिर अट नहीं रही, यहाँ पे भी ये वाला अट नहीं रही वाला, इसको देख लीजिएगा, ये भी पूरा इसका आंसर है, इसको तैयार कर लीजिएगा बच्चों बहुत अच्छे से। प्रश्न उत्तर की बारी करते हैं, तो कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है, ये तैयार कर लीजिएगा। उत्साह क्यों रखा गया है, क्योंकि बच्चों बादल जब आते हैं तो गर्जन उमड़ के घुमड़ के आते हैं, और बादलों में गति होती, बहुत उत्साह से आते हैं, इसलिए क्योंकि इसकी तुलना बादलों से की गई है, इसलिए इसका शीर्षक उत्साह रखा गया है ठीक। ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, कवि निराला की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही, इसको तैयार कर लीजिएगा, पूरा उत्तर है आपके सामने। फिर अगला प्रश्न है, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता, तो फागुन में क्या होते बच्चों, प्रकृति में पर्यावरण में हरियाली छा जाती, तो पेड़ पौधे कैसे होते, सुंदर दिखने लगते हैं, सुगंधित। अब देख सुंदर पेड़ पौधे दिख रहे तो फूल भी उगेंगे, फूल उगने से क्या होता बच्चों, सुंदर और सुगंधित माहौल बन जाता है, हवा भी अच्छी सुगंधित चलती, सुगंधित पवन चलती है। फिर जब पवन सुगंधित चलेगी तो जीव जंतु सारे खुश होते, तो पक्षियों में उल्लास आ जाता है, और मौसम भी सुहावना हो जाता है, और चारों तरफ मादक वातावरण बन जाता है। बहुत अच्छे से इसको आप तैयार कर लीजिएगा। फिर वस्तुनिष्ठ में पहला उत्साह कविता में बादल प्रतीक है, किसका है बच्चों, क्रांति का प्रतीक है, इसको तैयार कर लीजिएगा। इसके पश्चात हम बात करते हैं यहाँ पे ये प्रश्न उत्तर, कवि ने बादलों को किसकी कल्पना के समान पाले हुए माना है, तो कैसे, बाल कल्पना, जैसे बादल होते हैं वैसे ही बच्चे होते हैं, इस तरीके से उन्होंने बाल मन की कल्पना से माना है। कवि ने तप्त धरा का, तप्त धरा मतलब कि पीड़ित है, दुखी है, तप रही है, तप रही मतलब कि जन सामान्य की पीड़ा, इंसानों की जो परेशानी है, जन सामान्य की पीड़ा है, उसे कवि ने तप्त धरा का नाम दिया है। सत्य असत्य देख लीजिएगा, ये जितने हैं इन सबको तैयार कर लीजिएगा, नीचे इनके उत्तर आपके सामने दिए हुए हैं। इसके पश्चात ये एक शब्द में यहाँ पूछे जा सकते हैं इनमें, ये देखिए जैसे ये है, बादल के हृदय में कौन छुपा है बेटा, बिजली छुपी हुई होती है। फिर उस आभा अट नहीं रही, तो इसके लिए किसका बात की गई है बच्चों, बसंत ऋतु की। फिर बादल किस दिशा से आते, भैया बादल तो कहीं से भी आ सकते हैं, इसका उत्तर आएगा अज्ञात दिशा से ठीक।
तप्त धरा का सांकेतिक अर्थ क्या होता बच्चों? सांसारिक दुखों से पीड़ित पृथ्वी। और ये पूरा है, बादलों की तुलना किससे की गई है? बाल कल्पना, मतलब काले घुंघराले बालों से। ये तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पे आपका ये वाला जो पद्य खंड वाला टॉपिक था ये फिनिश हुआ। इसके बाद बच्चों हम डायरेक्ट पहुँचते हैं हमारे गद्य खंड की ओर। हमारा जो गद्य खंड है इसमें बच्चों सीधे हम पहुँचते हैं नेताजी का चश्मा। नेताजी के चश्मा में ये वाला जो है मूर्ति संगमरमर की जो आपका गद्यांश का हिस्सा है इसको आप तैयार कर लीजिएगा। पूरा आपको संदर्भ प्रसंग बनता होगा लिखते हुए, नहीं बनता तो अभी आप तैयार कर लें। अगले वीडियो में मैं आपको, मतलब जब आपके आगे एग्जाम होंगे उसमें मैं पहले से आपको सिखा दूंगा। ये तीसरा वाला कर लीजिएगा। बारी आती हमारे प्रश्न उत्तरों की। प्रश्न उत्तर बहुत अच्छे से। सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे, या फिर कैप्टन कौन था, वह क्या काम करता था? ये बहुत अच्छे से आप इस प्रश्न का उत्तर आपको बच्चों देख लेना है, तैयार कर लेना है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है, इसको भी आपको तैयार कर लेना बच्चों। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इन्हें आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, मगर अपनी तैयारी भी आप रखिएगा। अगला प्रश्न है, कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा क्यों लगा देता था? क्यों लगा देता था? क्योंकि वो देश को बहुत चाहता था, उसके अंदर प्रेम और देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी, और वो चाहता था कि सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो देश के प्रमुख सेनानी हैं और उनकी लोग इज्जत करें, सम्मान दें। इसलिए वो जो सुभाष चंद्र की जो मूर्ति जो रही उसको बिना चश्मा के वो अच्छे नहीं लगती थी। किसे नहीं लगती थी? कैप्टन को, है ना। इसलिए वो क्या है, बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। अब यहाँ पे बच्चों देखें सही विकल्प ये देख लीजिएगा। पहले का उत्तर है, मुख्य चौराहे पर नेताजी की प्रतिमा किसने लगवाई थी? तो किसने लगाई थी बेटा? प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा, सरकार के द्वारा। नेताजी का चश्मा कैसा एक व्यंग है, तो ये मतलब कैसा पाठ है, तो ये बच्चों एक कहानी है। फिर स्वयं प्रकाश जी का जन्म कहाँ हुआ था? ये हुआ था बच्चों मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के कहाँ, किस हिस्से में हुआ था, इसको आगे बता रहे हैं हम आपको। यहाँ देखें, कस्बे के चौराहे पर किसकी प्रतिमा लगी थी? नेताजी की, सुभाष चंद्र बोस की। फिर देखिए, स्वयं प्रकाश जी का जन्म कहाँ हुआ था बेटा? तो ये हुआ था इंदौर में, ठीक। फिर दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। बाकी आप और ये देख लीजिएगा जो आपको दिख रहा है सत्य सत्य। यहाँ पे बाल गोविंद भगत में ये वाला तैयार कर सकते हैं आप। पहला वाला देखिए, इसमें तो रिस्क है भाई साहब। रिस्क मतलब ऐसा है कि कहाँ से कुछ पूछ लें, कोई गारंटी नहीं, तो ये आपको देखने ही है बस। हम बात करेंगे अपने मेन प्रश्नोत्तरों की। जैसे यहाँ पे आया प्रश्न उत्तर ये वाला, बाल गोविंद भगत की पुत्र वधु उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? वो इसलिए नहीं छोड़ती थी बेटा उनकी वधु, क्योंकि बेटा उनकी जो वधु थी, भगत जी थे संसार में अकेले थे, मतलब उनका एक लड़का था, उसकी डेथ हो गई थी, उसका उनका एकमात्र पुत्र मर चुका था, और भगत जी कैसे थे, बूढ़े थे और साथ में भक्ति भी थे, और उनको घर बार में मतलब परिवार में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए उनके खाने पीने आदि सारी की व्यवस्था के कारण बहू ही उनका एकमात्र सहारा था। तो इसलिए वो जो रहीम उनकी पुत्र वधु उनको अकेले नहीं छोड़ती थी, ठीक है ना। इसके बाद बेटा ये जो है हमारा अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस प्रकार व्यक्त की, ये तैयार कर लीजिएगा। फिर बाल गोविंद भगत की दिनचर्या के बारे में ये पढ़ लीजिएगा। फिर पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषता। बाल गोविंद भगत जो थे वो क्या थे, कबीर पे ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, कबीर के से जुड़ी रचनाएँ वो ज़्यादा गाया करते थे, इसको आप देख लीजिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे, बाल गोविंद भगत साहब मानते थे, किसको मानते थे साहब, कबीर को। किसके पद गाते थे, कबीर के। और कबीरदास जी ने जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं, कुप्रथाएँ हैं, इन पे बेटा बहुत गहरा चोट किया है। उनके हिसाब से ये टोपी लगाना, पूजा पाठ करना, ये सब ढकोसले हैं, लोग ढकोसला करते, मतलब कुरीतियों पर प्रहार करते थे, है ना। वो सच्चे साधु की पहचान कैसे होती है बेटा, उसके विचारों से, है ना। फिर इसके बाद बाल गोविंद भगत जब भजन गाते थे तो क्या बजाते थे, तो वो खंजड़ी बजाते थे, एक वाद्य यंत्र होता है, इसको आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद ये जो है आपके सत्य सत्य एक वाक्य में उत्तर, इनको भी देख लीजिएगा। बाल गोविंद भगत की उम्र कितनी थी, 60 वर्ष की थी। पूर्व की ओर जो हवा बहती, पुरवाई, बहे पूर्व से पुरवाई, ठीक है, तो पुरवाई कहते हैं, ये उत्तर है इसका। बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे, तो वो गाना गा रहे थे। उनके हिसाब से जब मृत्यु होती है तो हमारा शरीर एक जगह से दूसरे जगह पर, हमारी आत्मा एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में चली जाती, तो हमें
रोना नहीं चाहिए, इसके लिए वो अपने पुत्र की मौत पर भी वो गाना गा रहे थे। इसके बाद बच्चों अगला हमारा जो पाठ है वो है लखनवी अंदाज। इसमें मैंने कि कोई भी आपको पद्यांश गद्यांश नहीं दिया है, ये पहला प्रश्न जो है इसको आप तैयार कर लीजिएगा, ये प्रश्न बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। लखनवी अंदाज निबंध को आप क्या नाम दे सकते हैं, ये पूरा उत्तर लिखा है ये। इस निबंध को हवाई भोज, ख्याली भोजन, नवाबी दिखावा आगे आदि आदि कर सकते हैं। फिर सही विकल्प ये तैयार कर लीजिएगा। हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार यशपाल का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था फिरोजपुर छावनी में हुआ था। लखनवी अंदाज कैसी है, एक व्यंग है, व्यंग मतलब हंसी मजाक से जुड़ा जो पाठ होता उसे हम व्यंग कहते हैं, ये तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे नवाबों के शौक, तो बेटा नवाबी शहर लखनऊ होता है, तो नवाबों के शौक कहाँ पे पाले जाएंगे, लखनऊ में पाले जाएंगे, ये कर लीजिएगा। इसके बाद बच्चों इसके बाद हम सीधे पहुँचते हैं अपने ग्रामर वाले पोर्शन की तरफ। तो इसमें आपको मैं बता दूँ, ये देखिए पहले अभी कृतिका आ गई, कृतिका में देखें ये वाला पाठ प्रश्न को उत्तर तैयार कर लीजिएगा। माता का आंचल पाठ के आधार पर शिशु का नाम भोलानाथ कैसे पड़ा, ये तैयार कर लीजिएगा। भोलानाथ अपने साथियों को देखकर से सकना क्यों भूल जाता था, ये तैयार कर लीजिएगा। फिर माता के आंचल शीर्षक की उपयुक्तता, ये तैयार कर लीजिएगा। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते, इसको देख लीजिएगा। एक बात और बच्चों, आपको अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और चाहिए या आपको पिछले साल की त्रैमासिक परीक्षा का आइडिया चाहिए है त्रैमासिक पेपर का, तो मेरे पुराने वीडियो डालिए त्रैमासिक परीक्षा हिंदी 2022, आपको उसका पेपर आपको पूरा मिल जाएगा, वहां से आपको बहुत मदद मिल जाएगी अगले पेपर को समझने के लिए। खैर ये देखें आप सही विकल्प तैयार कर लीजिएगा। बालक तारकेश्वर को उसके पिता किसका टीका लगाते थे, भभूत का। फिर भोलानाथ का असली नाम क्या था, तारकेश्वरनाथ। सब बच्चों में सबसे ढीठ था मतलब अड़ियल बैजू रहा, इनको आप देख लीजिएगा। ये प्रश्न बच्चों बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं, ठीक। फिर इसके बाद यहाँ पे देखें, सांप निकलने पर डरकर भागे भोलानाथ, कहाँ छिपे थे आकर के, तो ये माँ के आंचल में, मैया के आंचल में छिपे थे भोलानाथ। और उनके हम उम्र चबूतरे के एक कोने को बना देते थे, क्या बना देते थे, नाटक घर बना देते थे। फिर ये भोलानाथ और उसके साथी किसके बिल पे, चूहों के बिल में पानी उलीचने लगे। देखिए आप एक बार रिवीजन भी कर ले मेरे साथ। फिर भोलानाथ की माँ उन्हें क्या खिलाती थी, तो उसको दही भात खिलाती थी। भोलानाथ को अपने साथियों के साथ खेलने में गहरा आनंद मिलता था, है ना, ये पूरा आप लिख लीजिएगा। फिर आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है, कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती लड़ते थे, ये पूरे देख लीजिएगा, ये पूछे जा सकते हैं। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती लड़ते थे, सही है कि गलत, सही है भैया, अभी बताया मैंने आपको। फिर ये तीन, भोलानाथ अपने पिताजी को क्या कह के बुलाते थे, तो बाबूजी कहता था। भोलानाथ के पिताजी गंगा में आटे की कितनी गोलियां, तो 500 गोलियां प्रवाहित करते थे। माता का आंचल कहानी के अनुसार माँ ने भोलानाथ के घाव में क्या लगाया था, हल्दी पीस करके लगाई थी, हल्दी लगाते ना हम। अब देखिए अगला पाठ है साना साना हाथ जोड़ी। इसमें बेटा ये वाला प्रश्न तैयार कर लीजिएगा, ये वाला प्रश्न तैयार कर लीजिएगा, ये तैयार कर लीजिएगा। तीनों के उत्तर आपके सामने है, स्क्रीनशॉट ले लें आप, इनको देख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिए ये आपने अगर तैयार कर लिए हैं तो। फिर ये वाला प्रश्न भी तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद ये जो है तीन ऑब्जेक्टिव, इनके उत्तर भी आपके सामने, पहले का उत्तर है यात्रा वृत्तांत, दूसरा है चांदनी रात, और तीसरा है फिर मिलेंगे। ये देखें फेरी भेटूला, फेरी भेटूला मतलब फेर भेंट होगा दादा, मतलब कि फिर मिलेगा हम, है ना, यहाँ पे फेरी भेटूला मतलब फिर मिलेंगे, ओके, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। सत्य असत्य, सत्य असत्य में देख लीजिएगा, ये देखिए ये है पूरे ऑप्शन लिखे हैं, ये नीचे लिखे इनके उत्तर, इनको आप मिला लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा बहुत अच्छे से। फिर इसके बाद बारी आती है मैं क्यों लिखता हूँ, अरे भाई क्यों लिखते हो, हमको नहीं पढ़ना। बारी आती है मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे कवि परिचय, लेखक परिचय की। बच्चों सूरदास जी का जीवन परिचय जबरदस्त एक प्रश्न का है, इसको तैयार कर लीजिएगा, ये पूरा लिखा हुआ है, इसको बहुत अच्छे से आप देख लें, ये आ सकता है। इसके पश्चात जयशंकर प्रसाद जी का, ये रचनाएं हैं, ये काव्यगत विशेषताएं हैं। अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको फिर से बता दूं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लें और तैयार कर लें। जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय भी आ सकता है। फिर इसके पश्चात यहाँ पे आपकी ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय आ सकता है, इनको आप देख लीजिएगा। यहाँ पे लेखक परिचय में स्वयं प्रकाश जी और रामवृक्ष वैनीपुरी, ये दोनों अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, इनको भी पूछा जा सकता है, इसे आप तैयार कर लीजिएगा, बस केवल दो, ठीक है। इसके बाद बारी आई बेटा हमारे ग्रामर पोर्शन की, तो वाच्य की परिभाषा तैयार कर लीजिएगा। शब्दों के अर्थपूर्ण समूह को वाक्य कहा जाता है ना, वाक्य किसे कहते हैं, शब्दों के अर्थपूर्ण समूह को वाक्य कहते हैं। और ये वाक्य कितने प्रकार के होते, कितने, 8 प्रकार के पूरे लिखे हुए हैं। फिर इसके बाद
ये प्रश्न तो आप तैयार कर लीजिएगा। वाच्य भी पूछा जा सकता, वाच्य किसे कहते हैं इसकी परिभाषा तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, छोटे छोटे प्रश्न आपसे बनेंगे यहाँ ग्रामर से। फिर इसके बाद क्रिया, क्रिया विशेषण ये तैयार कर लीजिएगा। ये क्रिया आ सकती है, क्रिया और क्रिया विशेषण उतनी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है अभी फिलहाल तिमाही के लिए, ये देख लीजिएगा। संधि तो आता ही आती, भैया संधि किसे कहते हैं, संधि के भेद लिखिए, तो ये तैयार कर लीजिएगा, उदाहरण पूछे जा सकते हैं। समास आएंगे, समास की परिभाषा, अच्छा संधि समास में अंतर भी पूछा जा सकता है। समास के प्रकार पूछे जा सकते, कितने प्रकार के होते, तो 6 अव्यय भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि। फिर अव्यय भाव समास के उदाहरण में ये कुछ मुख्य उदाहरण है, इनको देख लीजिएगा। तत्पुरुष का उदाहरण आए बच्चों, तो आप काल पुरुष, राजपुरुष, महापुरुष, जिनके पीछे पुरुष लगे वो ही तत्पुरुष का उदाहरण बन जाता है। फिर द्विगु समास, द्विगु समास में आप देख लीजिएगा जहाँ गिनती मिले, 9, 3 त्रिभुज, पंच, पंचवटी, चौराहा, ठीक है इस तरीके से। द्वंद्व समास में बेटा जोड़े बनते हैं, आपको मालूम है, इसके लिए मैंने पहले आपको हिंदी व्याकरण का एक वीडियो बना के डाला है, उसे आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से बता दिया है। यहाँ केवल हम प्रश्न उत्तर देखेंगे, ये अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, काव्य की परिभाषा और इसके बताना है भेद। तो काव्य की परिभाषा विश्वनाथ जी के अनुसार, वाक्यम रसात्मक काव्यम या रसात्मक वाक्यम काव्यम। काव्य के दो भेद होते हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। अब इनमें अंतर भी आ सकता है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। महाकाव्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, महाकाव्य किसे कहते हैं, इसके लक्षण लिखिए और महाकाव्यों के नाम। तो ये बता दिया हमने, महाकाव्य क्या होता है, एक विस्तृत काव्य होता है। फिर यहाँ पे खंड काव्य से जुड़ा प्रश्न बन सकता है, इसको भी आप देख लीजिएगा, अपने आप में इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तैयार कर लीजिएगा। महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर आ सकते हैं, इनको आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लें और तैयार कर लीजिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे बेटा रीतिकाल, आधुनिक काल है ना, ये सारा कुछ है। एक ये प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया है, ये तैयार कर लीजिएगा आप लोग। ये अपने आप में महत्वपूर्ण प्रश्न है बेटा, हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है, रीतिकाल की 2 विशेषताएं, इसको तैयार कर लीजिएगा। फिर इसके बाद छायावाद क्या है, इसकी विशेषताएं, अपने आप में इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रगतिवाद की विशेषताएं, इनको तैयार कर लीजिएगा। छायावादी कवियों के नाम भी पूछे जा सकते हैं, ठीक। छोटे मोटे ये प्रश्न, कहानी उपन्यास में अंतर, कहानी क्या होती है, या हिंदी साहित्य की जो विधाएं हैं उनके नाम, खैर इसको आप देखें आप। रस की परिभाषा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको देख लीजिएगा। रस क्या है, किसी काव्य को पढ़ने, देखने या सुनने से जब श्रोता के मन में आनंद की अनुभूति होती है, उसे हम रस कहते हैं। इसके प्रकार देख लीजिएगा आप लोग, रस के अंग होते हैं, 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर तैयार कर लीजिएगा। रस के भेद, रस के कितने भेद होते हैं, 10 भेद होते हैं, श्रृंगार, करुण, भयानक, पूरा। फिर इसके बाद यहाँ पे एक महत्वपूर्ण प्रश्न, श्रृंगार रस की परिभाषा आ सकती है बेटा, साव उदाहरण आपको समझाने के लिए, इसको तैयार कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे हास्य रस, श्रृंगार रस, हास्य रस, वीर रस, ये आ सकते हैं उदाहरण सहित, इनको आप तैयार कर लें। वात्सल्य रस, ये भी पूछा जा सकता है ना, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ये वात्सल्य रस का उदाहरण है। फिर इसके बाद अलंकार, अलंकार मतलब होता गहना, जैसे इंसान के शरीर की सुंदरता गहने बढ़ा देते, वैसे ही काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। बस इतनी सी परिभाषा, अलंकार के भेद ये लिखे, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, अभ्य अलंकार, ये तैयार कर लीजिएगा। मानवीकरण अलंकार बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, और इस गाइड में बच्चों अनुप्रास अलंकार के बारे में नहीं दिया है, तो आप देख लीजिएगा, वो भी तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पे मानवीकरण अलंकार देख लीजिएगा, अन्योक्ति अलंकार है, ये तैयार कर लीजिएगा। फिर इसके बाद छंद, छंद की परिभाषा तैयार कर लीजिएगा, छंद किसे कहते हैं, वार्णिक और मात्रक छंद में अंतर, दोहा और चौपाई, अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका स्क्रीनशॉट लेना बहुत अच्छे से। दोहा चौपाई ये क्या होती है, दोहा में क्या होते हैं, 13-13 और 11-11 मात्राएं होती हैं, ठीक है, ये दोहा लिख दीजिएगा। फिर चौपाई लिख लीजिएगा, हनुमान जी की जो है ना, जो स्टार्टिंग होती है, वो आप भी आप वहाँ पे दोहा के रूप में उसको आप लिख सकते हैं। चौपाई में भी आपको अंदर वाले पॉइंट लिख सकते हैं ना, जैसे कुंद सिंधु मही पारा, सोलसा बदन बैठी विस्तारा, ये चौपाई होती है ना, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, तो इस तरीके से। और जो शुरुआत में होता है उसको आप दोहा लिख सकते हैं। ये मुहावरा देख लीजिएगा, मुहावरा लोकोक्ति, मुहावरे लोकोक्ति में अंतर, ये कुछ प्रमुख मुहावरे, आंखों का तारा, 9-2-11 हो जाना, दाल ना गलना, ये देख लीजिएगा। छोटे छोटे प्रश्न हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, इनको देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ कुछ नहीं पढ़ना। अब बारी आती है बेटा सूचना लेखन के लिए, सूचना लेखन हालांकि अभी तो नहीं आएगा मगर हाफ ईयरली के लिए इंपॉर्टेंट है। बारी आती है यहाँ पे, ये कुछ अनुच्छेद लेखन के लिए आ सकते हैं कुछ टॉपिक, जैसे विज्ञान वरदान या अभिशाप, एक प्रकार से निबंध,
ये तैयार कर लेना है। फिर इसके बाद बेटा आपको एप्लीकेशन मतलब कि आवेदन पत्र तैयार कर लेना है। आवेदन पत्र कौन कौन से तैयार कर सकते हैं, छुट्टी के लिए आवेदन पत्र, अंक सूची की द्वितीय प्रति के लिए आवेदन पत्र, ठीक। फिर इसके बाद शाला छोड़ने के लिए स्थानांतरण प्रमाण पत्र वाला, फिर यहाँ पे शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र, ये पूरा देख लेंगे शाला शुल्क मुक्ति हेतु। बच्चों ये तो आपसे बनते होंगे लाउड स्पीकर बैन के लिए, तो बेटा इनका बहुत अच्छे से तैयार कर लें। पत्र आ सकता है परीक्षा की तैयारी हेतु माता पिताजी को पत्र वाला, ये पूरा लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे अपने बड़े भाई के विवाह समारोह में शामिल होने के लिए ये मित्र को पत्र, स्क्रीनशॉट ले लें, इनको तैयार कर लीजिएगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है वैसे ही, इसलिए ज़्यादा टाइम खराब ना करें आपका। ये कुछ निबंध हैं साहित्य समाज, फिर इसके बाद विज्ञान वरदान या अभिशाप, ये तो आपको मिल जाएंगे कहीं ना कहीं से, छात्र जीवन में अनुशासन। तो बच्चों ये सारी बहुत सारे जितने भी टॉपिक हैं इनको आप तैयार कर लें आपको आने वाले एग्जाम के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें, और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं बहुत जल्द अपने अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। गुड नाइट।